हेलो गाइस, आई होस्ट ब्रदर, आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो और आज हम बात करेंगे इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। तो फिलहाल तो इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि मुझे शेयर नीचे आता हुआ दिख रहा है, ऊपर बहुत बड़े रेजिस्टेंस लगे हुए हैं और नीचे इतना सपोर्ट नजर नहीं आ रहा, पर शेयर थोड़ा ऊपर जाता है। बहुत से लोग फिर आके मेरे चैनल पर बोलते हैं कि ब्रो तूने गलत बताया है वो, और आज आप देख सकते हो कि मैंने गलत बताया या सही बताया, शेयर तो नीचे आ गया। वेल, इसलिए नीचे आया क्योंकि ऐसा नहीं कि एनालिसिस गलत थी, इसलिए क्योंकि तब जो सपोर्ट थे वो एक्टिवेट नहीं हुए। अभी जो यहाँ पे आए हैं यहाँ पे मैं वहाँ से ये धड़ाधड़ नीचे आ गए क्योंकि वो जो प्रॉफिट शायद यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई हो, पर यहाँ पर अगर हम यहाँ पे देखें ठीक से, अगर हम ऑप्शन चेन देखें फिलहाल 290 का चल रहा है, इसलिए यहाँ पे ऐसी प्राइस नजर आ रही है। फिलहाल अगर हम अभी का सिनेरियो देखें तो 300 पे एक बहुत बहुत बड़ा रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है 300 के प्राइस पे। दूसरी बात अगर है तो यहाँ पे 300 पे ये भी भारी है, पुट साइड भी भारी है, तो ये ऐसा नहीं, तो यहाँ पे मतलब बाइंग प्रेशर भी ज़्यादा है, सेलिंग प्रेशर भी ज़्यादा है। अगर एक एक व्यू पॉइंट देखते हैं, हम ऊपर के लेवल्स देखेंगे, पहले 310 देखेंगे, 310 देखें, 310 पे इतना कुछ खासी रेजिस्टेंस नहीं है, पर 310 पे यहाँ पर इतना कुछ अच्छा खासा बाइंग प्रेशर भी नहीं है, दोनों नहीं है। यहाँ पे 320 देखे तो यहाँ पर तगड़ा रेजिस्टेंस है, तगड़ा नहीं बोल सकते, फेयर इनफ रेजिस्टेंस है, बट अगर 320 पे यहाँ पे देखे तो बाइंग प्रेशर भी इतना नहीं है। तो फिलहाल ये जो लेवल है ऊपर के देखे, नीचे के लेवल देखे, 200 हम नीचे का लेवल पकड़े, ऊपर का लेवल पकड़े, न्यूट्रल लेवल है। 290 के लेवल पे ना ढंग का बाइंग प्रेशर नज़र आ रहा है, ना ढंग का सेलिंग प्रेशर नज़र आ रहा है, दोनों भी काइंड ऑफ इक्वल है, बट सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा यहाँ पर काइंड ऑफ ओकेश है। नीचे का लेवल देखे तो 280 का लेवल नज़र आता है, 280 के लेवल में सेलिंग प्रेशर नहीं है इतना, बट 280 के लेवल पे जो सपोर्ट है वो अच्छा खासा ठीक ठाक नहीं बोल सकते, बट एज कम्पेयर टू द सेलिंग प्रेशर सपोर्ट काफ़ी ठीक है। 270 का लेवल देखे तो 270 के लेवल पे यहाँ पे इतना कुछ सेलिंग प्रेशर नहीं है, बट 270 के लेवल पे सपोर्ट अच्छा है। 260 पे लेवल पे बहुत बहुत बड़ा तगड़ा सपोर्ट है, तो 260 पे अगर गलती से भी स्टॉक आता है, पहले आके मेरी वीडियो देखो, तब का ऑप्शन चेन क्या है मैं बताऊंगा आपको, तब का व्यू पॉइंट बताऊंगा, बट 260 पे फिलहाल तो बहुत बड़ा तगड़ा सपोर्ट है, तो अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर 260 पे प्राइस पॉइंट आए तो बाय कर लो। नेक्स्ट लेवल बताऊंगा कि यहाँ पे 280 पे भी बहुत अच्छा सपोर्ट है, 280 पे भी बाइंग कर सकते हो, बट रिस्की रहेगा, बहुत बहुत रिस्की रहेगा। तो 300 पे बहुत बहुत कंपटीशन चालू है। फिलहाल अगर हम ठीक से देखें तो मुझे यहाँ पर ये सपोर्ट्स तगड़े नज़र आ रहे हैं, बट यहाँ पे रेजिस्टेंस भी कुछ कम तगड़े नहीं है, रेजिस्टेंस भी बहुत तगड़े। तो फिलहाल मुझे नज़र आ रहा है कि 280 के ऊपर रहेगा, 290, 300 एंड 310, ये तीन लेवल में ये कंसोलिडेट करने के चांसेस है। तो अगर हमने जैसे यहाँ पे देखा, ये व्यू हमें वापस देखने को मिल सकता है, ये व्यू हमें वापस देखने को मिल सकता है। तो तीन लेवल है, जैसे अभी हम 380, 700 एंड 280, ये तीन लेवल में जैसे, और हाँ नाइस ग्रेट कोइंसिडेंस, 300 तीन लेवल में, जो तीन प्राइस पॉइंट लेवल में है यहाँ पे, जो जैसे इसने कंसोलिडेट किया है यहाँ पर, वापस तीन प्राइस पॉइंट लेवल में कंसोलिडेशन दिखा दिया है, वैसा ही ये यहाँ पर वापस दिखा सकता है। फिलहाल के लिए तो यही व्यू है मेरा, नीचे भी सपोर्ट लगे हैं, ऊपर भी रेजिस्टेंस लगे हैं, ऊपर भी नीचे ठीक से ढंग का नहीं जाएगा, नीचे भी ढंग का नहीं आएगा, कंसोलिडेशन का पूरा पूरा चांसेस नजर आ रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरे पुरानी प्रेडिक्शन तो सही हो गई। फिलहाल जो लोग जो मतलब कुछ लोगों को बुरा लगा होगा, मतलब लगा होगा कि नहीं ये गलत एनालिसिस गलत है, बट फिलहाल आज के ट्रेडिंग सेशन ने तो प्रूव कर दिया कि मेरे उस दिन की एनालिसिस सही थी, और ऊपर रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ऊपर से नीचे आएगा, मैंने बोला था कि स्टॉक मुझे नीचे आता हुआ नजर आ रहा है, स्टॉक वापस उस प्राइस पॉइंट पे आया,
तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही. वीडियो पसंद आता लाइक सर सब्सक्राइब कीजिए. सी यू इन माय नेक्स्ट वन. Drop the bomb.